मुंबई में प्रेग्नेंट नेहा धूपिया का बेबी शावर यानी कि गोद भराई सेरेमनी रखा गया। बॉलीवुड हस्तियों का जमावड़ा इस सेरेमनी में देखने मिला। साल रिलीज हुई फिल्म अक्टूबर के लिए वरुण धवन को मिला अवार्ड। वरुण धवन को फिल्म अक्टूबर में उनके बेहतरीन काम के लिए बेस्ट एक्टर का जागरण फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया। September 28 को रिलीज हुई फिल्म सुई धागा पब्लिक को थिएटरों तक खींचने में सफल रही है। 3 दिनों में फिल्म ने कमा लिए 36 करोड़ रुपए। 2500 स्क्रीन्स पर लगी है ये फिल्म। तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर विवाद पर वरुण धवन ने भी रखी अपनी बात। आई थिंक यू नो आई बीन वेरी बिजी विद सुई धागा, तो मैंने सब कुछ सुना नहीं है जो भी कहा है, बट आई जस्ट से दिस कि रिस्पेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वर्क प्लेस में, एक औरत के लिए, एक मर्द के लिए, एक बच्चे के लिए, और हमें अपनी इंडस्ट्री सेफ करना है। वी हैव टू मेक इट सेफ फॉर वीमेन, मैन एंड चिल्ड्रन, एंड हर इंसान को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। एंड मतलब आई डोंट नो टू मच अबाउट दैट इशू, तो मैं बहुत खुल के नहीं कहना चाहूँगा उसके बारे में। नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता विवाद पर अब अर्जुन कपूर ने दिया बयान। आज तक को दिए इंटरव्यू में अर्जुन कपूर ने बताया कि उन्हें इस मामले की डिटेल्स नहीं मालूम है। अर्जुन ने तनुश्री को सपोर्ट किया, कहा कि उन्होंने जो कहा उसके लिए हिम्मत चाहिए। लेजेंडरी एक्टर राज कपूर की बीवी और रणबीर कपूर और करीना कपूर खान की दादी कृष्णा राज कपूर का आज कार्डियक अरेस्ट से निधन हुआ। बॉलीवुड सितारों ने शोक जताया। उनके बेटे रणधीर कपूर ने ट्वीट कर दी जानकारी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। स्वर्गीय कृष्णराज कपूर के अंतिम यात्रा में शामिल हुआ बॉलीवुड। काजोल, सैफ अली खान, संजय कपूर, अनिल कपूर और कई सितारों ने श्रद्धांजलि अर्पण की। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी से कंगना का रौद्र रूप फैंस को देखने मिला। कंगना को इस लुक में देखकर लग रहा है कि वो जंग के मैदान में दुश्मनों को पछाड़ रही है। फिल्म का टीजर कल यानी गांधी जयंती के मौके पर रिलीज होगा। निक जोनस मुंबई में है और ऐसे में उन्होंने अपने प्रिय खेल फुटबॉल खेला। निक ने ये मैच बॉलीवुड एक्टर्स आदित्य रॉय कपूर, ईशान खट्टर और क्रिकेट के कूल एंड काम प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेला, लेकिन निक के फैंस मायूस हुए क्योंकि इस मैच को जीता एमएस धोनी की टीम ने। प्रियंका चोपड़ा निक जोनस की शादी को लेकर एक फ्रेश अपडेट आया है। दोनों की शादी भारतीय रीति रिवाजों के मुताबिक होगी, लेकिन उसमें लगेगा अंग्रेजी तड़का।